कांग्रेस संकट के समय कभी खड़ी नहीं होती है। और बापू ने इसीलिए कहा था, जब देश आजाद हुआ था बापू ने कहा था कांग्रेस को विसर्जित कर दो, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस का काम समाप्त हो चुका है। और भाइयों बहनों, बापू के सपने को साकार करने का समय आ गया है। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, 403 विधानसभा सीट है, और कांग्रेस के कितने सदस्य हैं? 2। राम नाम सत्य है कि नहीं, 4 आदमी चाहिए होते हैं, 4 भी नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि समृद्धि और सुरक्षा भाजपा दे रही है। आप देखते रहे होंगे 2000 यानी भाजपा के पहले मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले गुजरात में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। पिछले 20 वर्ष में गुजरात में दंगा नहीं, कर्फ्यू नहीं, आतंकी वारदात नहीं, किसी प्रकार की सुरक्षा में सेंध नहीं, बेटियों और बहनों की सुरक्षा में किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं। गुजरात विकास का एक मॉडल बना है, सुरक्षा का एक मॉडल बना है, पावर सरप्लस स्टेट के रूप में देश के सामने और दुनिया के सामने एक मॉडल बना है। गुजरात का अन्नदाता किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है, और अकेले भारत है जो अपने 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी देता है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।